देखिएगा, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लेते हैं कि इफ एन ए टू नॉन जीरो वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन। अगर दो को वेक्टर जो है आपका नॉन जीरो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिएगा, यदि जैसे कहना है कि वेक्टर ए बराबर जो दिया गया है आपका ए वन आई ए टू जे और दिया हुआ है आपका ए थ्री के, और वेक्टर बी का जो मान दिया है बी वन आई बी टू जे और ये दिया है बी थ्री के, आपका निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जब निकालना होगा भाई, तो ए वन में बी वन से गुना कर दीजिए, ए वन बी वन प्लस में आपका हो जाएगा ए टू बी टू और प्लस में हो जाएगा ए थ्री बी थ्री। अब देखो दिमाग में आ रहा होगा कि आई आई कहां गया, तो मैं नोट करवा दूं कि आई डॉट आई जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, आई डॉट आई जो होता है जीरो नहीं एक हो जाता है, और उसी तरह से जे डॉट जे जो होता है आपका एक हो जाता है, और उसी तरह से आपका के डॉट के जो मान हो जाता है उसका मान भी एक हो जाता है। आई बात समझ में? तो i.i और j.j और k.k ये हो सकता है। आई बात समझ में? ऐसे मैं बता दूं कि a डॉट b का जो फॉर्मूला होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और ये होता है cos थीटा। क्या हो जाता है? cos थीटा। यहां से cos थीटा निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड a का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड, यानी थीटा बराबर निकालना रहे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड a का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? यही बात बोलते हैं भाई कि इस तरह से आपका सवाल हो जाता है। अगर कहता है कि जैसे कि कोई वेक्टर a दिया हुआ है, a का मान a1 i दिया हुआ है, a2 j दिया हुआ है और a3 k दिया हुआ है, इसका जो है ना इसका डायरेक्शन को साइंस निकालना रहे आपका डायरेक्शन को साइंस निकालना रहेगा डायरेक्शन को साइंस एल एम एंड एन निकालना रहेगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए वन बट्टे ए का मैग्नीच्यूड, और एम बराबर जो हो जाएगा ए टू बट्टे ए का मैग्नीच्यूड, और इसी तरह से एन का मान निकालेंगे तो ए थ्री बट्टे ए का मैग्नीच्यूड हो जाएगा। अगर मानते हैं इफ डायरेक्शन को साइंस विथ डायरेक्शन को साइंस ऐसे दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा दिया है गामा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा का जो मान हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान भी जो हो जाएगा ए वन बटे ए का मैग्नीच्यूड, उसी तरह से कॉस बीटा का जो मान हो जाएगा ए टू बटे ए का मैग्नीच्यूड, और उसी तरह से कॉस गामा का जो मान हो जाएगा आपका ए थ्री बटे ए का मैग्नीच्यूड। अगर एंगल दिया हुआ रहे तो एंगल दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से आपका निकाल सकते हैं। देखिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा तो यहां पर जो है कुछ पॉइंट्स दो आया है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी। कह रहा है प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है अदर वेक्टर बी पर, तो जिस पर अदर वेक्टर बी पर है उसी का यूनिट वेक्टर ए के साथ में गुणा निकालना है। जैसे निकालना रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, वेक्टर बी पर, किसका वेक्टर बी पर, तो क्या करेंगे वेक्टर ए डॉट कर देंगे बी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कर देंगे, जो अदर पर निकालना रहेगा उसी का यूनिट वेक्टर के साथ में गुणा कर देंगे। उसी तरह से है अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए दिया हुआ है इसका डायरेक्शन एंगल जो है अल्फा है बीटा और गामा है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा कॉस अल्फा का मान जो हो जाएगा ए वन बटे ए का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा बराबर ए टू बटे ए का मैग्नीट्यूड और कॉस गामा बराबर हो जाएगा ए थ्री बटे ए का मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? इस तरह से और कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कहना है भाई कि आपका जैसे ए डॉट है बी प्लस सी है,
इसका प्रॉपर्टीज होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, जैसे ए रहे तो आपका ए डॉट बी हो जाएगा और प्लस में आपका ए डॉट सी हो जाएगा। उसी तरह से आपका ए ए वेक्टर का डॉट अगर मान के चलिएगा लैम्डा बी के साथ में है तो आप इसको लिख सकते हैं, लैम्डा को बाहर निकाल के ए डॉट बी लिख सकते हैं, या तो मर्जी है कि ए के साथ में लैम्डा लेकर के बी के साथ में डॉट कर सकते हैं। ये तरीका है आपका, दो फॉर्मूला यहां से। बाकी आपका जो है पहले से मैग्नीट्यूड निकालने का और वेक्टर निकालने का, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, प्रोजेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोजेक्शन जिस पर जिसका निकालना रहता है दूसरे वेक्टर पर, तो जिस दूसरा वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर के साथ में गुणा कर देना है। आए बस समझ में, अगर अल्फा बीटा डायरेक्शन एंगल से दिया हुआ था कोसाइन निकाल देंगे इसी तरह से। ये तो कोसाइन निकालने का तरीका ही है, बस कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू कस्टमर है तो। देखिए इसमें देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.3 का क्लास 12 के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड Having A dot B, जैसे कहना है कि दो वेक्टर के बीच में find the angle between two vectors, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या करिए जहां पर वेक्टर A और B का मैग्नीट्यूड दिया है इतना और रूट थ्री और ये दो और इसका डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो जो दिया गया है भाई उसको लिख दीजिएगा given that, है ना, जो दिया गया है, तो दिया गया है given that, क्या दिया है वेक्टर A का कहना है मैग्नीट्यूड दिया है रूट थ्री और वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो दो दे रहे हैं। आए समझ में, एथ ए और एल कह रहा है आपका ए डॉट बी का जो मान दिया हुआ है क्या दिया है रूट सिक्स, क्योंकि होता है और एंगल निकालना है दोनों के बीच में तो वो हमें पता ही नहीं है भाई, तो एंगल बिटवीन दोनों के निकालना, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये होता है कॉस थीटा, ये हो गया रूट सिक्स और ये आपका क्या हो जाएगा ए डॉट बी का मान है रूट सिक्स, यहाँ पर थीटा हो गया एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो वेक्टर ए और बी के बीच में क्या मान लिया आपका एंगल तो है थीटा मान लिया, तो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है रूट थ्री और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दू दिया हुआ है, ये कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और ये रूट सिक्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट सिक्स बट्टे कितना हो जाएगा टू रूट थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू रूट थ्री हो जाएगा, चाहे तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए टू रूट थ्री से ऊपर गुना टू रूट थ्री से नीचे गुना, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा छह और ये छत्रीय 18 हो जाएगा रूट और दो का स्क्वायर चार यानी छत्रीय 12 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो ये दो हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 18 को लिख सकते हैं आपका 18 को लिख सकते हैं तीन रूट दो बट्टे क्या लिख सकते हैं दो लिख सकते हैं, और इसका कहने का मतलब है कॉस थीटा और ये दो को लिख सकते हैं आपका रूट थ्री है आपका, देखिएगा यहां पर देख लीजिए और ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए थ्री रूट टू है और इस दो को लिख सकते हैं रूट टू गुने रूट टू, ये दो से दो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तीन बट्टे रूट दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा तीन बट्टे रूट दो हो जाएगा, यानी थीटा बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स तीन बट्टे रूट दो हो जाएगा। आए बात समझ में, तो ये थीटा दोनों के बीच में निकल गया, देखिएगा थीटा निकल गया, देखिए कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इतना एंड वेक्टर ए, मान लीजिएगा लेट वेक्टर ए का मान जो मान लीजिए थ्री आई माइनस टू जे प्लस के और वेक्टर बी का जो मान मान लेंगे आई माइनस टू जे और प्लस में थ्री के, निकालिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो तीन का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया नौ, ये हो गया चार और ये हो गया एक, कितना हो गया आपका रूट चौदह हो गया। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा इसके बगल में वन का स्क्वायर पर माइनस टू का स्क्वायर और ये तीन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका एक तरह से कहिए तो एक हो गया चार हो गया नौ हो गया, ये भी कितना हो गया रूट चौदह ही हो गया, तो हमको निकालना है ए डॉट बी निकाल लीजिए, तो ए डॉट बी का जो मान निकल जाएगा तीन गुने एक हो जाएगा प्लस में माइनस दो गुने
माइनस दो हो जाएगा और प्लस में एक गुने तीन हो जाएगा। ए डॉट बी का मान जो निकलता है भाई, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाता है कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया तीन और ये माइनस माइनस प्लस चार और ये हो गया तीन। ए का मैग्नीट्यूड जो दिया गया है भाई रूट चौदह है और बी का मैग्नीट्यूड भी जो है रूट चौदह है, बी का मैग्नीट्यूड और ये हो गया कॉस थीटा। ये कितना हो गया आपका, सात तीन दस हो गया। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दस बटे देखिए रूट चौदह गुने रूट चौदह चौदह हो जाएगा और ये थीटा निकालना है भाई तो ये पांच हो गया और ये सात हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स पांच बटे, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा पांच बटे सात, तो यही निकालना है। देखिएगा कहना था क्वेश्चन तो ठीक है, देख लो फाइंड द एंगल बिटवीन इतना और इतना, तो इतना को हम ए मान लिए और इतना को हम बी मान लिए। पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, क्योंकि ए डॉट बी होता ही है भाई, ए वन बी वन ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री, तो ए साइड ए वन बी वन ए टू बी टू और ए थ्री, इसका हल करके किए तो दस आ गया और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालिए थे चौदह, बी का ये निकाल लिए थे, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा निकालेंगे तो ये रूट चौदह का बाहर निकल जाएगा तो दस बटे चौदह हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से एंगल निकाल सकते हो भाई, दो क्वेश्चन चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर समझ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, तो ए और इतना ऑन द वेक्टर इतना, इतना पर निकालना है। तो मान लीजिएगा लेट वेक्टर ए का मान जो है आई माइनस जे मान लीजिए, एंड वेक्टर बी का मान जो मान लीजिएगा आपका आई प्लस जे मान लीजिएगा, आपको पता है तो ए आपका देखिएगा निकालना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, बी पर प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। तो ए का मान कितना है आपका आई माइनस जे है और बी का जो निकालेंगे प्रोजेक्शन तो वेक्टर बी बटे क्या हो जाएगा आपका बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आई का मान तो आई जे हो गया और बी का मान जो है कितना है आपका आई प्लस जे है और बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो जान रहे हैं कि वन में वन से गुना करेंगे वन हो जाएगा और प्लस में वन में से गुना करिएगा इससे तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका जीरो, यानी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। इस तरह से इसमें जब देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार में तो इसी तरह से फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर इतना, तो मान लेते हैं लेट वेक्टर ए का मान जो मान लीजिए आई प्लस थ्री जे प्लस में सेवन के, एंड वेक्टर बी का जो मान है वो मान लीजिए सेवन आई माइनस जे प्लस एट के, और रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन निकालना है भाई, तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन के लिए आपको पता है कि कहना है प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए ऑन बी, तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए का हो जाएगा बी का यूनिट वेक्टर होगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है आई प्लस थ्री जे प्लस में सेवन के और बी का जो हो जाएगा वेक्टर बी बटे क्या हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आई का मान आई हो जाएगा थ्री जे और ये हो जाएगा सेवन के, अब बी का मान जो है कितना है सेवन आई माइनस जे प्लस एट के और बट्टा में बी का मैग्नीट्यूड है तो कितना हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड तो सात का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस में आठ का स्क्वायर। तो देखिएगा एक हो गया तो एक में सात से गुना करेंगे सात हो जाएगा, तीन में माइनस एक गुना करेंगे माइनस तीन हो जाएगा और सात में गुना करेंगे तो आपका छप्पन हो जाएगा 56 हो जाएगा। नीचे साइड में आपका क्या हो जाएगा आपका सात का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, एक हो गया और ये 64 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये सात और ये कितना हो गया, देखिए ये तो चार हो गया यानी कि साठ बट्टे कितना हो गया आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 यानी कितना हो जाएगा रूट 114 हो जाएगा। तो यही आपका प्रोजेक्शन आंसर हो गया, आई बात समझ में। तो ये प्रोजेक्शन निकालने का तरीका था भाई, आगे भी हमारा वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर चार हुआ, पांच से आगे क्लास में कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है ये क्लास ट्वेल्थ के लिए जरूरी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। और बेहतर था मेरा 10.1 का और 10.2 का देख लीजिएगा, ये 10.3 चल रहा है, अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू।